तो अतुल मैं आपसे पूछ रहा था ये कि हम लोग 10 घंटे पढ़ते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोगों को 2 घंटे में याद होता है, कुछ लोग 10 घंटे में याद होता है, तो क्या ऐसा क्यों है? मतलब लोग कहते हैं अकाउंट्स में ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी सर, एक कहावत है कि डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, ठीक है? तो टैक्टिक बदलनी पड़ती है अपने काम करने की। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो बिना वजह, बिना मन के रटे पढ़े हो, पलटे जा रहे हो पन्ने, उसमें मज़ा नहीं आएगा। 2 घंटे पढ़ लो, मन से पढ़ लो, अच्छा रहेगा। चलो जोरदार तालियां पहली बात तो, बहुत बेहतरीन बात की, अपनी टैक्टिक बदलिए, ठीक है? स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है? हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है? मतलब आप किसी काम को मन से करिए। मैं यही कहता हूँ, 10 घंटे मत पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो। आप अकाउंट्स घर पे जाके सिर्फ 5 मिनट जो आज पढ़ा है वो घर पे 5 मिनट पढ़ लो, सिर्फ 5 मिनट। छठा मिनट नहीं, घड़ी देख के छठा मिनट नहीं देना, आपसे अच्छा यहाँ पे कोई टीचर नहीं होगा, ठीक है? स्टूडेंट तो बहुत दूर की बात है, आपसे अच्छा यहाँ पे कोई मास्टर नहीं होगा। अरे यार, क्या हम लोग क्या ऊपर से टपके हैं क्या? हैं क्यों हम लोग क्या ऊपर से टपके हैं? नहीं, ऊपर से क्यों टपकेंगे? यही धरती पर हम भी सीखे हैं, धरती पर हम भी सीखे, दूसरे गोला से थोड़ी आए, मंगल ग्रह से हैं, मंगल ग्रह से आए सीख रहे हैं। फिर ऐसे कुछ लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं, कुछ लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, ठीक है? अपन मंगल ग्रह से सीख के आए। नहीं नहीं भैया, अपन भी यहीं सीखे, ठीक है? सेकेंड वॉल्यूम तक मेरी हालत इतनी खस्ता थी जितनी आप लोगों से शायद किसी की नहीं होगी, इससे भी खस्ता मेरी हालत थी, ठीक है? सिर्फ एक बात यहाँ लग गई, मैडम ने कहा क्या पिताजी का पैसा क्या उड़ाने आते हो? हमने कहा नहीं, पैसा नहीं उड़ाने आते हैं, मतलब अच्छा सीखेंगे, ठीक है? विकास बताएंगे, विकास आपको कैसा लगा? अच्छा अच्छा, एक बात और बतानी थी, एक पूछा था कि अकाउंट सीख के क्या बदलाव आया। कास्ट जो है मेरी वो है मतलब चौहान ठाकुर, और अभी जब मैं सीख गया हूँ तो अपने में बनिया महसूस होता है। नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि अपने आप में लगता है व्यापारी, और कंजूस हो, कंजूस हो गए वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, थोड़ा पहले से थे और हो गए अभी हैं, कंजूस हो गए है ना। आप खुद जानते हैं, अभी थोड़ी सी बाकी है आपकी फीस, कंजूसी आ गई है। हाँ, कंजू देखो, अकाउंटेंट के अंदर कुछ है या ना है, कंजूसी जरूर आती है, ठीक है? वो सोचता है यार फालतू पैसा वेस्ट कर रहे थे, है ना नीरज? यस सर। तुम्हारे अंदर आई? यस सर। हैं जी सर। और क्या परिवर्तन आया अकाउंट सीखने के बाद? सर बहुत कुछ परिवर्तन हो गया सर। सर टैली में सर आपके मतलब सर संडीला में यहाँ क्षेत्र में सर आपके कंपटीशन में कोई खड़े ही नहीं हो सकता सर। नहीं देखो, हमारे कंपटीशन में मैं तुमको दिली इच्छा बताता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ मेरा स्टूडेंट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा स्टूडेंट होना चाहिए। देखिए, जैसे मैं एक आप लोगों को बात बताता हूँ, राहुल सर पढ़ाते थे, मैं जब राहुल सर आए, ठीक है, पढ़ाने, तो फिर उस टाइम वो टाइम एक ऐसा आया कि मुझे लैब में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ठीक है? क्योंकि वो इतना अच्छा हैंडल करते थे, वो लोग बोलते थे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? सेम चीज़ छवि मैम आई, छवि मैम के साथ भी यही होने लगा, धीरे धीरे करते करते वही बहुत अच्छा पढ़ाने लगी। तो सेम चीज़, जब आप टाइम दो किसी चीज़ पर तो आपको आएगा, है ना? चलो विकास, आप बताओ, आपने कंप्यूटर सीखा, बेसिक सीखा, तो क्या अंतर है बेसिक में और अकाउंट्स में, सिर्फ इतना बताना है। बेसिक में हम कंप्यूटर के बेसिक के बारे में जानते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं। अच्छा, एक बताइए, माइंड किस में ज़्यादा लगता है, बेसिक सीखने में या अकाउंट सीखने में? अकाउंट्स में, क्योंकि देखो बेसिक्स में क्या है, आपके सामने ऑप्शन होगा, अकाउंट्स में आपके सामने ऑप्शन होता है? ऑप्शन आपके ब्रेन में होना चाहिए, ऐसा है ना? आपको ऐसा पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ, किससे पैसा लिया, किससे पैसा दिया, सब याद रखना पड़ता है जी सर। कि लिखा होता कहीं पे? नहीं सर, याद करना पड़ता है। याद रखना पड़ता ना कि किससे कितना एडवांस मिला, भला एडवांस मिला पता अगले महीने भूल गए, है ना? यही होता ना जी सर। तो मतलब अगर पिछला एडवांस मिला तो याद रखना पड़ेगा जी सर, याद रखना, है ना? तो मतलब अकाउंट्स में आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? आप ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना? पढ़ा रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बंद कर दो उसको बस। हाँ बताओ सर, आप कह रहे थे मतलब कोई अकाउंट सीखने के बाद कंजूस हो गए, मतलब कहने मतलब कंजूस नहीं होता आदमी, उसको ये नॉलेज हो जाता है कि जैसे पैसा एक्सपेंड कर रहे हो। एक कहावत होती है कि अगर ज़्यादा कमाना है तो ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन ये कहीं तक मतलब सही भी और गलत भी है। खर्चा ज़्यादा नहीं करना है, मतलब करना है लेकिन ऐसी जगह पे करना है जो जैसे आपने 100 रुपये खर्चा किए तो ऐसी जगह पे खर्चा करो आपको 1000 बना के दे दे। अकाउंट्स में जैसे मैंने आपसे सीखा, मैंने कुछ फ़ीस दी 4000, 5000, 6000 जितनी भी दी,
वो 6,000 मुझे 60,000 बना के देगा आगे चल के मेरी एजुकेशन में काम आया ना, तो ऐसे मैंने खर्चा किया, मैंने खर्चा भी किया और उससे मैं पीछे बनाऊंगा भी। ये तरीका है, ज़्यादा खर्चा करो और ज़्यादा बनाओ, है ना, ये कहावत होती है ना कि जितना खर्चा करो उतना कमाओगे, तो ये तरीका होता है, मतलब कि सही जगह पर खर्चा करो सही कमाओगे। ये नहीं अब जा रहे हैं कुछ भी खरीद रहे हैं तो वो खर्चा करने से आप कमाओगे नहीं, सही जगह पे खर्चा करके सही कमाओगे। इस तरीके से कंजूस होना है। जोर से तालियां पहले तो बजाओ। इस अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल है मैं आपको बताता हूँ, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, कॉस्ट अकाउंट, जिन्होंने वर्ड बताया कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसा नहीं है कि कमा 100 रहे हो खर्च 200 कर रहे हो, कमा तब आप अकाउंटेंट नहीं हो। अकाउंटेंट कंजूस नहीं होता कभी भी, ठीक है। अकाउंटेंट हमेशा कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। क्या कहता है? आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, अकाउंटिंग 3 टाइप की होती है। एक तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक फिनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। हम जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो फिनेंशियल अकाउंटिंग, हम जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो क्या है? हाँ, क्या है फिनेंशियल अकाउंटिंग? डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, डेली खर्चे रिकॉर्ड करना, डेली सेल रिकॉर्ड करना, परचेज रिकॉर्ड करना, डेली वेजेस पे जो काम होता है वो रिकॉर्ड करना फिनेंशियल अकाउंटिंग है। उसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? जिसमें हम किसी प्रोडक्ट या चीज़ों की कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वगैरह में होता है। फिर आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। जैसे ये आए नरेंद्र, नरेंद्र मेरे पास पढ़ने आए, इनको अच्छा पढ़ाने से अच्छा है इनके बारे में जानना, इनके मन को टटोलना, ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पढ़ाते तो सभी लोग हैं, मैं आपको बता दूं, बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ता है कि 100 लोगों में सिर्फ 60 लोग पढ़ने आते हैं मेरे पास, जब मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, 100 में 60 लोग सिर्फ पढ़ने आते हैं। बाकी घर पे कोई पढ़ता है? बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। 100 में 60 लोग सिर्फ घर पर पढ़ते हैं जब मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, जब मैं इतना फोर्स करता हूँ। भाई पढ़ना है मतलब पढ़ना है यार, एजुकेशन के अलावा कुछ है ही नहीं लाइफ में, मेरा मानना पर्सनली, ठीक है। अगर ये सोच पहले जनरेट होती तो हम यहाँ नहीं होते, हम कहीं और होते, हम कोई तोपची नहीं है। मैंने बोला ना, मैं आप लोगों के बीच से उठ के आऊँ। एक टाइम था हमारे सर पढ़ाते थे तो हम हमारे की तरह से बैठे रहते थे, ठीक है। हम भी कहीं ना कहीं से सीखे, ठीक है। चलो आओ, आप गुंजन से बात करते हैं, बैठे बैठे, ठीक है। तो गुंजन, कैसा रहा एक्सपीरियंस, पहले तो एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा था। जब मैं फर्स्ट डे आई थी तो मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं अकाउंटिंग सीख पाऊंगी कि नहीं, बट आप लोगों की हेल्प से बहुत अच्छा मैंने सीखा। अच्छा, ये बताइए, अभी कोई दिक्कत है अकाउंट्स में आपको? अभी बिल्कुल नहीं है। सबसे अच्छी बात जो थी इस इंस्टीट्यूट की, कि कोई भी डाउट ऐसा नहीं है मेरा जो सॉल्व ना हुआ हो, सब आप लोगों ने किया बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए अभी आपको लगता है कि अगर जॉब करने को मिलेगा तो क्या आप जॉब कर पाएंगी? फर्स्ट टाइम होगा सर, अभी बता नहीं सकते। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर किसी के पास नहीं है यहाँ पे से, ठीक है, क्योंकि आप लोग वो चीज़ फेस करके नहीं आए। मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। आप लोग जब भी जॉब करने जाओगे, जहाँ भी जॉब करने जाओ, भले आप 1 साल जॉब की हो, 1.5 साल जॉब की हो, 2 साल जॉब की हो, आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है, क्योंकि नई फर्म होगी, नई डील्स होंगी, ठीक है। हर कंपनी हर नई चीज़ में डील करती है, तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो सोनम से बात करते हैं। सोनम ने एक इंटरव्यू फेस किया हुआ है, ठीक है। तो सोनम, आप एक इंटरव्यू भी दे के आई हैं अभी हाल ही में, yes, कैसा रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, बताइए अपना। सर ठीक रहा, बस थोड़ा सा डर नर्वस रहा। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज़, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये नहीं मिलेगी तो अगली मिलेगी, ये सोच के जाया करिए, डर नहीं। और एक चीज़ एक और बता दूं, मालिक से ज़्यादा अपने को आता है, ये सोच के जाइए भाई। फिर भाई होगा क्या? घमंडी हैं ये, घमंडी हैं, जैसे लोग मुझे नहीं मतलब घमंडी है। तुषार तेरी क्या है यार, ये बताओ, अगर मुझे आता है और मैं इस बात को बताता हूँ लोगों को, तो मेरे क्या दिक्कत है? घमंडी कॉन्फिडेंस है, तुम समझे नहीं, वो तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंस है ना। अभी अतुल कहें, अतुल कहते कोई, अतुल को चीज़ कहते, अतुल अतुल कह रहे मुझे आती है चीज़ सर, अतुल घमंडी है, अतुल लो यार, आता है तो आता है भाई, अब बताने में किस बात की चोरी है, है? अब जैसे मेरा YouTube चैनल था, अमर का मेरे से अच्छा YouTube चैनल था, अमर कहते मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर थे सर, अब मैं कहूँ अमर घमंडी है, घमंडी किस बात का, जो बात सच है सच है, जो बात सच है वो सच है, उसमें क्या है, उसमें कहने में क्या चोरी है। अमर के व्यूज़ मुझसे ज़्यादा थे, अमर ने अच्छा खासा इनकम किया, इनकम क्या मतलब, इनकम तक पहुँच गया, अब नहीं हुआ तो नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ हुआ ना उसका चैनल,
उसने उसने वो करके दिखाया, भले कैसे भी किया हो, कुछ भी वीडियो डालाओ, व्हाटएवर कुछ भी वीडियो डालाओ, उसने परफॉर्म किया। लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड एक्सपर्ट कहते हैं, मैं अमर को उनसे अच्छा समझता हूँ, पूछो क्यों, पूछो क्यों भाई, लोग 5-5 साल से यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है, वो 1000 व्यूज़ क्रॉस करने में 5 साल लगा दिए, उस बंदे ने सिर्फ 1 महीने में लाखों व्यूज़ कमा लिए। तो भाई कैसे कमाई, क्रिएटिविटी है, दिमाग लगाया, सर्च किया, रिसर्च किया, रिसर्च में यही चीज़ मिलता है। चलो अब नीरज वर्मा से बात करते हैं। नीरज वर्मा इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, ताली बजा भाई नीरज वर्मा के लिए, ठीक है। देखो मेरे सारे स्टूडेंट अच्छे हैं और मुझे इस बात का बहुत प्राउड भी है, मुझे इस बात का बहुत प्राउड भी है। बस आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा एनालिसिस करो, थोड़ा सा किसी भी चीज़ पे शोध बनता है, शोध मतलब अपना, ये नहीं सोचो कि हम इनको कॉपी करेंगे। तुषार तिवारी कोई तोपची नहीं है, आप अपनी अपना मसाला डालो। नीरज वर्मा बाहर आना चाहिए, नीरज मौर्य बाहर आना चाहिए, इनके नीरज मौर्य के अंदर से तुषार तिवारी बाहर नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे कोई टीचर आता है मेरे साथ में काम करने का, कोई भी काम करने आता है, मैंने कहा तुम रहो, मैं बनने की कोशिश ना करो, ठीक है, मुझे कॉपी करोगे तो अपने आप को खो दोगे, ठीक है। तो तुम अपना लॉजिक ढूंढो, अकाउंट सीख गए हो, अब अपना लॉजिक निकालो, सर ये लॉजिक है। जैसे सुनील और सैबी दो लोगों ने मिलके, एक आपको पता होगा डबल इंटरेस्ट आता है, मैंने इनको काम दिया, मैंने कहा यार कल एक काम करना, कल इस पर रिसर्च करके ना कैसे कैलकुलेट होता है इसको देख के आना ज़रा, और इन दोनों ने किया, तो इसके लिए जोर देता लिया, ठीक है। इन दोनों ने वो चीज़ निकाली, उसने भी निकाल के दिखाई, घर पे जाके फ़ोन किया, इन्होंने भी जाके फ़ोन किया, और दोनों ने बिल्कुल करेक्टली निकाली। उसमें डेज का कैलकुलेशन भेजना, हमने कहा एक बार डेज ज़रा देख लेना, अपने पास टाइम नहीं है, टाइम देंगे तो निकल आएगा, लेकिन क्या है, हमने इनको काम दिया, इनको काम सौंप दिया। जैसे अमर अभी आज खाली बैठे थे, हमने अमर से बोला कि अमर एक काम करो यार पढ़ाओ, भाई अमर ने पढ़ाया, कुछ चीज़ नहीं बता पाए, कोई दिक्कत नहीं, अब अमर जब दोबारा पढ़ाएंगे जो मैंने चीज़ बता दी, अब वो चीज़ बता ले जाएंगे, ठीक है। तो कहता रहा पहले तो एक्सपीरियंस तो अपना बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा, यस सर, ठीक है। कोई दिक्कत तुम्हें? नो सर, नो ना, नो ऐसा कुछ भी है। और एक चीज़ आप लोगों के लिए और बता दूँ, आप जब भी चाहें 15-20 दिन 25 दिन आफ्टर कोर्स कंप्लीशन भी आप आ सकते हो, ठीक है। आप किससे? इम्तियाज से बात करें भाई, बहुत दूर से आते हैं, जोर तालियां इम्तियाज के लिए, बालामो से आते हैं, ठीक है, बालामो। वो लोग सोच रहे हैं मेरे दूर कौन आता है, अच्छा साथ में पढ़ते थे। इम्तियाज बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत माइंडेड है, ब्रिलियंट है, ठीक है। और देखिए मैंने अभी बोला ना 60% स्टूडेंट मेरे पास सारे अच्छे, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं एक गॉड गिफ्ट है, मेरे पास सारे एवरेज होते हैं। एवरेज मतलब प्रियांशु भी उनमें आता है एवरेज स्टूडेंट्स में, मतलब कोई बहुत ज़्यादा खराब वाला स्टूडेंट नहीं आता कि मतलब बहुत ज़्यादा डाउन। अच्छा दूसरी बात, आता भी है तो हम, मेरी एक आदत है, अमर पढ़ क्यों नहीं रहा, अमर ऋषि पढ़ना है, ऋषि पढ़ना है, ऋषि पढ़ना है, तो बच्चा नहीं चाहते हुए भी थोड़ा बहुत क्या करता है, पढ़ता है कि यार हाँ मतलब इतना फोर्स कर रहे हैं तो पढ़ता है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था सर। पहली बात तो बालामो इतने सारे सेंटर्स हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन हैं, आप उनको छोड़कर यहाँ तक आए, ठीक है, तो उसका कोई रिग्रेट तो नहीं रहा कि यार छोड़ के आए उतनी दूर से, ठीक है, और फिर यहाँ वो चीज़ नहीं मिली हो? नहीं सर, यहाँ सब कुछ मिला है। एक हमारा फ्रेंड था वाजिद सर, उसने बताया कि वहाँ चल के देख लीजिए एक बार, अच्छा लगे तो करिएगा। हम यहाँ आए तो आपने पढ़ाया सर, हमें अच्छा लगा तभी एडमिशन लिया यहाँ पे। मेरे पास लगभग आपको बता दो अप्रोक्सीमेट इस समय मैंने अभी तक लगभग 20 स्टूडेंट बालामो में पढ़ाए हैं, बालामो के, और मुझे पढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। पढ़ाते हुए टाइम कैसे नहीं हुआ, इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था तो 5 मंथ कहीं और पढ़ाया था, ठीक है। उससे पहले अभी अपने सेंटर में पढ़ाते हुए मुझे 1 साल लगभग कंप्लीट होने लगा, क्योंकि बीच में लॉकडाउन रहा, ठीक है। ये अमान है, अमान आपका भी लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, ठीक है। तो कैसा क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, सीखने को मिला बहुत कुछ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कई सारे लोग मैंने देखा है कुछ लोग फ्री कंप्यूटर देंगे घर बैठे, क्या आपको लगता है कंप्यूटर एजुकेशन या एजुकेशन सेक्टर में किसी भी लालच या लोभ की ज़रूरत है कि एजुकेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, एजुकेशन की ज़रूरत है सर, है ना। अगर आप आए हो तो आप किस लिए आए हो, ठीक है, आप किस लिए आए हो, एजुकेशन के लिए ना। अगर आपको कोई लालच देकर ये कह दिया जाए कि ठीक है नहीं नहीं यार ऐसा करते हैं, तो फिर क्या आप फंसोगे? नहीं सर, नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप देख चुके हो ना एजुकेशन। क्या आपको लगता है कंपेयर करना चाहिए, शिक्षा में कंपेरिजन होना चाहिए? हाँ चलो ऋषि से पूछते, ऋषि मुंडी ला रहे थे, ऋषि बताओ कंपैरिजन होना चाहिए? यस सर, जरूर होना चाहिए कि यहाँ अच्छी पढ़ाई है यहाँ पढ़ना चाहिए।
जी सर, ऐसे पता जी सर ऐसे पता चलता है वेस्ट फ्लाई कहाँ पे हो रही है। ये जब आप कपड़े को लेकर कंपेयर करते हो, कपड़े को लेकर कंपेयर करते हो क्लोथिंग को लेकर, है ना, करते हो ना, क्यों करते हैं जी सर? सर दो मिनट सर, जैसे सर हम किसी सर इंटरव्यू सर फेस करते हैं तो सर हमें ये एहसास दिलाना है कि सर हमसे बेटर कोई नहीं है, या किसी सर कंपनी में हम जॉब के लिए जाते हैं तो सर हमें ये सबसे पहले ये सोचना है कि सर हम कंपनी के साथ क्या कर सकते हैं। जब हम कंपनी के लिए कुछ करेंगे तो हमारे लिए भी कंपनी कुछ करेगी। देखो यही तो एक बात है, आप कहीं भी काम करिए अपना काम समझ के करिए, ठीक है? जब आप अपना काम समझ के करेंगे ना तो एक चीज़ निकल के आएगी, क्या निकल के आएगा, क्या ये चीज़ कि यार मतलब ये यार मेहनत कर रहा है बंदा, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है? जैसे अभी हमारे एक स्टूडेंट है कुलदीप भाई, ठीक है, कुलदीप भाई जॉब करते हैं, सुनील है जॉब करते हैं, सैबी है जॉब करता है, ठीक है, आया नहीं सैबी, ठीक है, तो ये लोग जॉब करते हैं, तो जहाँ भी जॉब करते हैं ये ना समझे कि हम काम कर रहे हैं, ये समझे हम अपनी शॉप पे काम कर रहे हैं, ये हमारी दुकान है, ये हमारा काम है, भले किसी और का है, भले हम सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं, भले हम सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं ना, भले हम तुम नहीं काम कर रहे हो मतलब, ठीक है, भले हम सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं लेकिन हमें अपना काम खुद समझ के रखना चाहिए, है ना, हमें अपना काम खुद समझ के रखना चाहिए। अब जैसे अमीन आए, अमीन ने कुलदीप को देखा कि जॉब लग गई, आपको बता दूं हम आप सबकी जॉब लग सकती है, सबसे बड़ी चीज़ है आपके अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों अतुल, ज़रूरी है ना, सकारात्मकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी चीज़ नहीं आती, एक बार बता दूं आप इंटरव्यू तब नहीं निकाल पाएंगे जब क्वेश्चन के बदले में क्वेश्चन होगा, जिस दिन क्वेश्चन के बदले में आंसर होगा उस दिन आप निकाल पाएंगे। सबसे पहले आप सब लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, ठीक है, और थैंक यू आप जैसे स्टूडेंट मुझे मिले, ठीक है, आज सर्टिफिकेट वितरण है, आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो सब लोग बैठिए, देखिए किनको किनको मिलता है, और मैं नाम लूँगा, सब लोग को यहाँ आना है, ठीक है, हालांकि ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।